ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम। प्रिय भाइयों बहनों, हर साल की तरह इस साल भी 24 मार्च का आना हमारे लिए एक सुखद अवसर है, क्योंकि 24 मार्च को हर साल हम साधना आराधना का महीना मनाने की पूरी उत्साह के साथ कोशिश करते हैं। इस साल भी हमने इस पूरे महीने के लिए जो भी हमें दैनिक साधना हमारी है, दिन दिन की दैनिक जो साधना है, हर दिन को जो हमें करना है, उसकी पुस्तिका हमने आपके सभी राज्याध्यक्षों को, स्टेट प्रेसिडेंट्स को भेजी है, इसी दरखास्त के साथ कि वे आप तक इसको पहुंचाएं। ये महीना ऐसा शुभ है कि हमें इसका पूरा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो आराधना महोत्सव, जिसका हम हर साल एक जश्न मनाते हैं, उस जश्न के पीछे एक बहुत बड़ी अपेक्षा हमारे भगवान बाबा की है। उनका जीवन, उनके जीवन की सार्थकता इसी एक बात पर है कि हम जो भक्त हैं, जो अपने आप को भक्त कहते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर पूरी निष्ठा से चलने की कोशिश करें। भगवान बाबा की अपेक्षा सिर्फ इतनी है कि हम हमारे हृदय को प्रेम भावना, एक जो आत्मीयता है, जो लोगों के प्रति एक संवेदनशीलता है, एक जो एक एक कृपा है, एक जो एक मार्ग है जिससे हम लोगों को प्यार कर सकें, वैसे दिल को इतना नरम, इतना प्यार भरा बनाकर हम उनके चरणों में हम अर्पण करें, क्योंकि हमें पता है कि वही है सत्य जीवन का। भगवान बाबा हमारे दिल में है। भगवान बाबा एक ऐसी शक्ति का प्रमाण है कि जो हमारे भीतर होने के कारण हमारा मनुष्य जीवन का उत्तरदायित्व है कि हम इसका आभास करें, इसकी अनुभूति करें, और उसी के सहारे हमारे जीवन को सुखमय शांतिमय बनाकर जिए। ना ही हमारे जीवन में सुख और शांति आए, मगर हमारे भीतर की सुख और शांति हमारे परिवार को भी साथ ले चलें, समाज को भी साथ ले चलें, और जो भी हमारे सत्संग में आए, जो भी हमारे संग में आए, जो भी हमारे परिचय में आए, उनको भी ये जो भावना है, जो दिव्यता का एक आभास है, वो हमारे जरिए उनको मिले, ये भगवान की अपेक्षा है। हमारी संस्था एक बहुत ही खूबसूरत संस्था है, जिनको भगवान बाबा ने बड़े प्यार से, बड़े आशीर्वाद से हमें मौका दिया है कि हम उसका सदुपयोग करें। इसमें कार्य तो है तीनों विंग के, स्पिरिचुअल जो है, आध्यात्मिक, शैक्षणिक और जो सेवा की तीन जो हमारे अंग हैं, उसमें कार्यक्रमों की एक बहुत ही बड़ी एक आयोजन उसका है, मगर ये आयोजन हमारा लक्ष्य नहीं। आयोजन के द्वारा जो हमारे में परिवर्तन लाना है वो हमारा लक्ष्य है। सत्साई सेवा संगठन में भगवान ये देखते हैं कि आपने कितना काम किया, उस पर उनकी नजर नहीं, आपका जो ये काम है वो आप पर क्या परिणाम लाता है उस पर भगवान बाबा की नजर है, और भगवान बाबा की यही अपेक्षा। आराधना महोत्सव पर यदि हमें भगवान को कुछ अर्पण करना है तो हमारी साधना में अर्पण करना, हमारे जीवन में जो परिवर्तन आता है उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के द्वारा, और उससे फलस्वरूप जो परिवर्तन आता है वही भगवान की अपेक्षा है, और शायद हम वही दे सकते हैं। भगवान बाबा जो हमारे अंदर हैं, हमारे सारथी हैं, उनकी अनुभूति और जीवन को इस सारथी के आदेश के द्वारा, उसके प्रमाण को लेकर जीवन जिया जाए, यही भगवान की अपेक्षा है, और इसी में हमारा भी सुख है, इसी में हमारा ही बरकत है, इसी में हमारा ही मोक्ष है। आइए सुख से रहना, शांति से रहना, इस सुख और शांति को लोगों तक बांटना, ये जो क्षमता है वो हमारी क्षमता बढ़नी चाहिए। आइए पूरे इस महीने में हमने आपके साथ एक पुस्तिका जो भेजी है, वो आपके राज्याध्यक्षों के भेजी है, कृपा करके उनसे आप ये हासिल करें, और 24 तारीख से आइए हम सब मिलकर हमारे निजी जीवन में, हमारे परिवारों में इस साधना का प्रारंभ करें, और अपने आप को एक उत्कृष्ट मानव, जो भगवान की अपेक्षा है, उसको हासिल करने में हमारी जो एक गति है उसको बढ़ाई जाए। करिष्ये वचनं तव, यही भगवान का आदेश है। जो भी भगवान ने बताया है उसको निस्संदेह
पूरी श्रद्धा के साथ हमारे जीवन में उसको उतारना और उसी के प्रमाण से आचरण करना, यही सही मायने में साधना है। हम भजन करें, सेवा करें, शिक्षा करें, ये सब माध्यम है, अंत में तो यहाँ दिल भगवान के चरणों में अर्पण करना है और इस प्यार भरे दिल से लोगों को सेवा में, लोगों को हमारे व्यवहार में, हर बात में एक दैवी प्रेम की अनुभूति कराना, यही हमारा लक्ष्य। आइए इस मनुष्य जीवन को सार्थक करते हैं और इस साल भी हम आगे बढ़ते हैं इस साधना में, जिससे कि 24 अप्रैल 2024 को हम सब में एक नई चेतना, एक नया परिवर्तन आए, जिसको लेकर भगवान खुश हैं। आराधना दिवस पर उनकी हमारी आराधना का एक जो प्रमाण है वो हम सब मिलकर हैं। इस साल खुशी की बात यह है कि पूरे विश्व में इस साधना का आरंभ होगा 24 मार्च में। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि पूरे विश्व में जितने साई भक्त हैं सब मिलकर इस महीने में कुछ न कुछ हासिल करने की कोशिश करें। आइए प्रयत्न करते हैं, भगवान का आशीर्वाद तो हमेशा है। जय साई राम।